यह बिल्कुल सच है कि मेल सी हॉर्सेस गर्भ धारण करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। मेल सी हॉर्सेस नामक यह अजीब मछलियां दुनिया भर में ट्रॉपिकल और टेम्परेट कोस्टल वाटर्स में पाई जाती हैं। मछली के नर मेंबर में गर्भ धारण करने की शक्ति इसे विशिष्ट बनाती है। सी हॉर्स की लंबाई 1 इंच से लेकर 1 फुट मतलब लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। सी हॉर्सेस में अनेक असामान्य एडेप्टेशंस हो चुकी हैं। पानी के नीचे की वनस्पति से चिपके रहने के लिए सी हॉर्सेस में एक विचित्र सी पूंछ होती है। छोटी क्रिल श्रिम्प फिशेस को चूसने के लिए इसका मुंह एक ट्यूब जैसा होता है। इसका जीवन काल करीब 1 वर्ष तक का होता है। सी हॉर्स की स्किन के नीचे प्रोटेक्टिव बोनी प्लेट्स होती हैं। इसके हिप्पोकैम्पस जीनस में करीब 32 प्रजातियां पाई जाती हैं। सी हॉर्सेस इतनी असामान्य दिखने वाली मछली होती है कि कभी कभी लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि ये असलियत में मछली है कि नहीं है। नर सी हॉर्स के पेट पर एक थैली होती है। इस थैली में यह सी हॉर्स पिता एक बार में 2000 बच्चों को रख सकता है। सी हॉर्स की अलग अलग प्रजातियों के आधार पर गर्भकाल 10 से 25 दिनों तक चलता है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तब शुरू होता है जब एक नर और एक मादा समुद्री घोड़ा अथवा तो सी हॉर्स रोजाना सुबह से पहले डांस करते हैं, अपनी पूंछ को आपस में जोड़ते हैं और एक साथ तैरते हैं। इनका यह डांस 8 घंटे तक चल सकता है। तब यह मादा द्वारा नर की थैली में अपने अंडे जमा कर देती है। पुरुष सी हॉर्स के पेट की थैली में ही अंडे फूटते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। पिता सी हॉर्स पेट की थैली में पानी के नमक को अथवा तो वाटर सैलिनिटी को रेगुलेट रखते हुए बच्चों की देखभाल करते हैं। इसके लिए उसे बड़ी शक्ति की जरूरत होती है। जब छोटे सी हॉर्सेस पैदा होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका पिता थैली से उन्हें बाहर निकालने के लिए अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इन नवजात बच्चों को फ्राई के नाम से जाना जाता है। जबकि सी हॉर्स पिता बच्चों को जन्म देने के लिए सुरक्षित स्थान पर बहुत दूर तक चले जाते हैं, किंतु एक बार जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो माता पिता अपने छोटे बच्चों को कोई देखभाल या सुरक्षा प्रदान नहीं करते। नवजात सी हॉर्स शिकारियों के हाथ बड़ी जल्दी ही मारे जाते हैं और समुद्र की धारा में बह जाते हैं, जिसके कारण जहां इनको खाना मिल सकता था वहां से दूर पहुंच जाते हैं और भूखों ही मर जाते हैं। बाल्टीमोर में नेशनल एक्वेरियम में पता चला है कि प्रत्येक 1000 में 5 से भी कम शिशु सी हॉर्सेस मैच्योर होने तक जीवित रह पाते हैं। और अब यह बात समझ में आ जाती है कि लीटर अथवा 1000-2000 बच्चे एक ही साथ में क्यों पैदा होते हैं। अन्य मछलियों की तुलना में हालांकि सी हॉर्सेस के जीवित रहने की दर काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये विकास के शुरुआती चरणों में पिता की थैली में आश्रय लेते हैं, जबकि अन्य मछलियों के अंडे फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद समुद्र में ही छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि सी हॉर्सेस एकमात्र ऐसी मछली है जिसमें पुरुष गर्भावस्था का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त सी ड्रैगन और पाइप फिश के मेल मेंबर्स अपनी पूंछ के नीचे जुड़ी हुई एक थैली में अंडे रखते हैं।